हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग किनारा। तो आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, फ़िश रोस्ट की रेसिपी, जिसे हम कोकनी में भूसलेला महावरा भी बोलते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं फटाफट से। इससे पहले कि मैं इसकी रेसिपी स्टार्ट करूँ, आप प्लीज़ अगर न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी आप फ़िश रोस्ट बनाएं तो ध्यान रखें कि फ़िश जो है वो एकदम फ्रेश होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ने सुरमई ली है, एकदम ही फ्रेश सुरमई है। इसे कट कर लेना है, साफ़ कर लेना है, अच्छे से धो लेना है। इसके जो कांटे होते हैं बीच के, वो हम लोग निकाल लेंगे छुरी से। ध्यान रखना है कि कांटे नहीं रहे इसके अंदर। हाथ से भी मैं चेक कर रही हूँ ताकि कोई कांटे मुझे लगे नहीं। इसे हमने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है, कांटे निकाल लिए हैं। अभी हम इसे साइड में रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है फ़िश रोस्ट का मसाला रेडी करना है हमें। उसके लिए लिए है मैंने 3 हरे मिर्च, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 10 से 12 कड़ी पत्ते, हरी धनिया डाल लेना है मुट्ठी भर के, और इन सबको हमें नमक डाल के बारीक कूट लेना है। अच्छे से कूटेंगे हम। नमक डालने से कूटने में आसानी होती है, इसीलिए हमने नमक अभी ही डाल दिया है इसके अंदर। एकदम अच्छे से फाइन पेस्ट कर लेना है, कूट लेना है इसे हमें। अभी ये मसाला जो है हमारा रेडी हो गया है फ़िश पे लगाने के लिए। हम जो हमारी फ़िश हमने रखी थी, हम उसके ऊपर ये मसाला अच्छे से लगा लेंगे, कोट कर लेंगे। एक टूथपिक या फोक की मदद से हमें प्रिक करना है ताकि जो मसाले के जो ये जो पीसा हुआ मसाला है उसके जूसेस फ़िश के अंदर तक चले जाए। आधा कटा नींबू का रस डाल देना है इसके ऊपर। ये एक मसाला है, अरेबिक मसाला, सुमक नाम है इसका। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप काली मिर्च की पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डाल रही हूँ मैं जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल, और इसे अच्छे से मसाज कर लूँगी मैं और फ़िश को क्लोज कर लूँगी। बाहर फ़िश की स्किन पे भी हम ये मसाले को रब करेंगे। अभी एक फॉइल पेपर पे फ़िश को रखना है और फ़िश को अच्छे से बंद कर लेना है, क्लोज़ कर लेना है। कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए, वरना पकते वक्त जितना भी फ़िश के जूसेस रिलीज़ होते हैं, पानी जो निकलेगा मच्छी से वो पूरा बाहर निकलेगा। तो बहुत ध्यान से अच्छे से सील करें फॉइल पेपर की मदद से फ़िश को। गैस ऑन करना है और पहले हम हाई फ्लेम पे फ़िश को पकाएंगे और उसके बाद हम मीडियम फ्लेम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आग के ऊपर एक जाली रखी है और उसके ऊपर मैंने मच्छी रख दी है पकते। 15 मिनट्स तक मैंने उसे हाई फ्लेम पे पकाया। अभी मैं 15 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से भून लूँगी फ़िश को, सेका लूँगी। पलटते रहना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ़िश से। आधा घंटा हो चुका है, फ़िश जो है हमारी पक गई है अच्छे से। ये जो फॉइल के ऊपर ब्राउन मार्क से इसे पता चल रहा है कि बहुत अच्छे से फ़िश पक गई है। अभी हम इसे ओपन करेंगे। ये देखिए, खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो आप भी ज़रूर बनाएं और आपके घर वालों को खिलाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।